कि आप बात कर रहे हैं बीजेपी के लोग हमारे नीचे है, कोई भी बीजेपी का लोग मिलेगा, कोई भी विधायक आएगा उसको बंदर बनाएंगे यहाँ पे, गुंडागर्दी नहीं चलेगी बिल्कुल। बड़ो खाली बात दादा चलो भाई अंदर जाओ, गोली चलाओ, जाओ गोली चलाओ, चलो रास्ता देने को, रास्ता देने को, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इनका रास्ता दे दो है उनके फलाम। अपने लोगों को ठीक रखो, डरना ये चलेगा, हम जो भी होगा कल दिन में बात करेंगे, रात को नहीं। रास्ता इनको रास्ता दे दो, जो भी बात होगा हम कल दिन में बात करेंगे, अपने लोगों के बीच में बात करेंगे। हमें जिम्मेदारी रहती है कि हमारे लोग कैसे घर तक सुरक्षित जाएंगे, इनको रास्ता दे दो। मतलब प्रशासन कहाँ पे है, प्रशासन यहाँ पर बीजेपी के विधायक नीचे है, ये गुंडागर्दी चलने की हमारे लोग सब यही बैठा, इनको रास्ता दे दो, प्रशासन को रास्ता दे दो, रास्ता दे दो प्रशासन को। ये पुलिस के जवान और प्रशासन हमारे लोग हैं, कितना बड़ा दुख का सवाल है कि जो यहाँ पर जवान खड़े हुए हैं उनकी आंखों में आंसू हैं, रोने लग रहे हैं, इनको रास्ता दे दो। मतलब ये पहली बार क्या होगा कि किसान भ्रष्टाचार हो रहा और पुलिस की वर्दी में पहरा हुआ जवान रो रहा है। मतलब गुंडागर्दी, पुलिस प्रशासन और बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। हमने बीजेपी के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहा, हमने हमेशा सम्मान किया है उनका। ये लोग भी भाई है जो जवान है मेरे, ये बड़ा मेहरबानी करके ये स्थान खाली करते, ये यहाँ से रोड है ये खाली कर दो आप। हम लाठी खाएंगे, आप गोली खाएंगे, आपको जो कर रहे हैं हमारे ऊपर अत्याचार करो। ये रात को यही बैठे हो सर लोग बैठे हुए, मेरे तेरे जवान से ये है, हमने तरफ देख लिया आपका, इस तरह से यहाँ पे अधिकारी की आंखों में पानी है, जिनके साथ में हमने 60 दिन गुजारे, आज वे रोकते रहे, हमने पुलिस के कल देखे। सारे प्रेस के लोगों का भी धन्यवाद है कि आपने भी बहुत साथ दिया, लेकिन यह गुंडागर्दी कि हमारे लोगों के साथ में हम गिरफ्तारी के लिए तैयार थे, हमें कागज दे दिए और उसके बाद में यहाँ पे हमारे जाने के बाद में हमारे लोगों के साथ में क्या अत्याचार यहाँ पे होगा। मैं नहीं जाऊंगा, आज भी दम तक यही रहूंगा। अगर प्रशासन करेगा कान खोल कर सुन लो, प्रशासन से कोशिश करेगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ये है यही यही ये फंदा यही लगेगा, अगर यहाँ पर प्रशासन आएगा फंदा यही लगेगा, यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं आएगा। नहीं जाऊंगा छोड़ कर अपने लोगों से, जिन लोगों ने सम्मान दिया, जिस सरदार बिरादरी ने सम्मान दिया, नहीं जाऊंगा। आप यहाँ बैठो बैठो, लंगर भंडारे चलाओ बैठो, सारे साथी कृपया बैठ जाओ, रात यहीं पर रहेंगे सारे साथी, हम यहीं बैठेंगे, जो पीछे है सारे आगे आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यही दरी बिस्तर यही लगाकर सब लोग, लंगर भी यही चलेगा, सारे लोग बैठे यहाँ पर, आप किसान है सारे यही बैठेंगे, हम कोई नहीं जाएगा यहाँ से, नीचे जो साथी है सबको बुला लो, सारे नीचे आ जाओ उतर के, सारे बैठो, सारे जो डिवाइडर पे सारे साथी नीचे आ जाए, बैठो नीचे उतर के, सारे बैठो नीचे उतर के, नीचे आप बिगड़ी कैसे, कोई बात नहीं, उनको अब उनको हमारे साथ और भी तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर जो जाने का किसानों का सिलसिला है क्रम है वो हमने देखा ही है, उसके बाद वैसे में आपको बताएंगे टाइमिंग उसमें नहीं होता है। अल्टीमेटम की बात कही जा रही है, अल्टीमेटम दिया गया सर आपके लिए, मतलब कितनी बड़ी सरकार है, सरकारी
विधायक और बीजेपी